दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ इस दौर में भी बेहद सटीक बैठती हैं। लोगों को आचार्य चाणक्य की ओर से कही गई बातों पर आज भी बहुत विश्वास है। यही वजह है कि लोग आज भी चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने उस मुकाम को पाते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। आज के वीडियो में उसी सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे जो चाणक्य ने कहा है, आपको सफलता पाने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी माने जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसकी कामना रहती है कि सुख समृद्धि धन और वैभव हमेशा बना रहे। आचार्य चाणक्य की नीति के कहे गए ये बातें आज भी बहुत फेमस है और कई लोग उसे लागू भी करते हैं और अपने मुकाम तक भी पहुँचते हैं। चलते हैं, हम उन बातों पर गौर करते हैं कि चाणक्य ने वो कौन सी बातें कही हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने का सही साधन, पैसा खर्चे करने का सही तरीका और ऊर्जा स्रोत पर गौर जरूर करें, भविष्य में यही काम आएंगे। इन सभी बातों का तात्पर्य यह है, आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए और उसके मुताबिक अपने जिंदगी में फैसले लेने चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, यानी कि चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को अपने व्यवहार में बहुत ही भोलापन या सीधापन नहीं दिखाना चाहिए। ध्यान रहे कि जंगल में सीधे पेड़ काटे जाते हैं, जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं वो खड़े रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि लोगों को परखें, समय का इंतजार करें और समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य निश्चित यानी सही को छोड़कर अनिश्चित यानी कि गलत का सहारा लेता है, उसका सही भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब कोई भी फैसला लें तो सही और गलत की परख अवश्य करें। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वही अपनी मर्यादा भूल जाता है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। यानी कि जो डिसिप्लिन हमने अपने लाइफ में बनाया हुआ है सही तरीके से चलाने के लिए, उस मर्यादा को हमें भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। चाणक्य की इन बातों से हमें गौर करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के दिन इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जेके मानव मंत्रा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास लेके आते रहेगा और आते रहता है।